ये आई थिंक लास्ट लाइव स्ट्रीम होने वाली है क्योंकि अभी मैं 4 तारीख को एक ट्रिप पे जा रहा हूँ। 4 तारीख को ही जा रहा हूँ ना? हाँ, 4 तारीख को मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो उसके पहले एक लाइव स्ट्रीम ये वाली। सभी ने बहुत जल्दी कर दिया ये वाला गोल। थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है सब लोग सरप्राइज के लिए वेट कर रहे हो यार। मैं पता नहीं क्यों इतना लेट कर रहा हूँ यार, बट हाँ जब भी वो चीज़ जब आएगी ना आपको पता चल जाएगा यार क्यों लेट हो रहा है। वो पता नहीं भाई, मैं उसकी कोई एग्जैक्ट डेट कोई टाइम नहीं देने वाला यार। तो पता है जब भी मैं कोई स्टोरी टाइम वीडियो बनाता हूँ ना, मेरे मन में हमेशा एक ये डर रहता है कि यार जिसके बारे में वो स्टोरी है वो बंदा नाराज ना हो जाए, ऑफेंड ना हो जाए, कहीं फोन करके मेरे को गालियां ही ना दे, जिसकी वजह से मैं उनके रियल नाम नहीं बताता वीडियोस में। एंड स्पेशली जब मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, जिसको हम काजू कतली के नाम से जानते हैं, उसके बारे में कोई वीडियो बनाता हूँ तो और ज्यादा डर लगता है। आज से 8 साल पहले गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, तो कहीं भाई पुलिस कंप्लेंट ही ना कर दे। एंड मैं बस यही सोचता था कि काश वो मेरी वीडियोज ना ही देखती हो, बट टू माई सरप्राइज ना ही सिर्फ वो मेरी वीडियोज देखती है लेकिन वो अपने दोस्तों को भी मेरी वीडियोस दिखाती है। एंड ये उसने खुद मुझे मैसेज करके बताया इंस्टाग्राम पे, एंड उसने ये तक बोला है कि उसका पति तक उसको काजू कतली बुलाता है। जी हाँ, उसकी शादी हो चुकी है। तो इससे पहले कि तुम लोग कमेंट्स में लिखोगे तू आज भी उसके प्यार में पागल है, प्लीज बंद करो, वो बहुत पुरानी कहानी है, इट इज हिस्ट्री मैन। बात तो सही है। अभी जो रिसेंट वाली काजू कतली वाली वीडियो थी उसको देखने के बाद उसने मेरे को ये टेक्स्ट करा, काश तू हमारी अकेडमिक राइवलरी के बारे में भी बता देता, सो योर फैंस विल नो दैट यू वर्न्ट जस्ट अ नूब बट अ स्मार्ट नूब। लोल यार मुझे नूब बुलाया।